बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पोटैटो फिंगर्स। इन इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आलू लिए हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के, उनको बॉईल करके दुकश कर लिया है। ज़ीरा लिया हमने हाफ़ टी स्पून, उस नमक लेंगे हसबे जायका। चिली फ्लेक्स लिए हमने हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर लिया हमने हाफ़ टी स्पून। बारीक सूजी ली हमने आधा कप। आमचूर पाउडर लिया हमने हाफ़ टी स्पून। ऑयल लेंगे हम 1 टीस्पून। मिर्चे लेंगे हम 2 अदद। धनिया लिया हमने 2 टेबलस्पून। पानी हम यूज़ करेंगे हाफ़ कप। हाफ़ कप हमने सूजी ली है और हाफ़ कप ही हम पानी यूज़ करेंगे। ओरिगैनो हमने हाफ़ टी स्पून यूज़ करना है। अगर है तो आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। चलें जी, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूजी बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पानी डालेंगे। हाफ कप हमने पानी यूज़ किया है। जब पानी में बबल स्टार्ट होंगे तब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, पानी में बबल स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। और आपने जब सूजी ऐड करनी है, साथ ही इसका फ्लेम को आपने लो कर देना है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही आपने इसमें 1 टीस्पून जो ऑयल था वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे आपने मिक्स अच्छे से करके इसको फ्लेम को आपने बंद कर देना है। जी फ्रेंड्स, हमने फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने आलू ले लिए। अब आलूओं में हम सूजी ऐड करेंगे। तमाम सूजी हम आलूओं में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर, नमक आप हसबे जायका यूज़ करें, ज़ीरा हमने हाफ़ टी स्पून लिया था वो डालेंगे, आमचूर पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स, सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, धनिया डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम हाफ़ टी स्पून ऑयल इसके अंदर भी यूज़ करेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम। जी फ्रेंड्स, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी स्टेज पे आप नमक मिर्च इसका चेक कर सकते हैं। हमें नमक कम लग रहा था, हमने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फिंगर्स तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाना है और फिर बिल्कुल आपने लंबाई में इसको बारीक सा तमाम हम इसी तरह बनाएंगे। इस तरह बना के हम प्लेट में रखते जाएंगे और बाद में इनको फ्राई करेंगे। अब हम एक और बनाएंगे। इतना हम पीस लेंगे, इसको हाथ में हल्का सा करके इसको हम ऐसे
ट्रे में रखेंगे और हाथ की मदद से इसको यूं करेंगे। छोटा सा बोल बनाएंगे। बनाने के बाद हम इसको भी हल्का सा ऐसे रखेंगे और ट्रे में अब हम हाथ की मदद से दोनों को प्रेस करेंगे। जी आपने हल्के हाथों से इनको बनाना है। जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप हाथ की मदद से बना सकते हैं, अगर हाथ से नहीं बनाने आते आपको तो आप ऐसे ट्रे में या प्लेट की मदद से बहुत आसानी से बना सकते हैं। ज़रूर बनाइए ऐसे। अब हम इनको फ्राई करते हैं, तमाम हम ऐसे ही तैयार करेंगे। चलें जी इनको फ्राई करते हैं। जी फ्रेंड्स ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पोटैटो फिंगर्स डालेंगे। और इनको फ्राई कर लेंगे। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना। फ्रेंड्स अब हम हल्के हाथों से इनको हिलाएंगे। जी फ्रेंड्स पोटैटो फिंगर्स रेडी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।